लेस टाइम्स, आपकी सोच को दे नई उड़ान। आदाब, लेस टाइम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं अबू रागिब। आज बात करेंगे हम व्हाट्सएप से क्यों घबरा रहा है पेटीएम। इससे पहले मैं आपको कुछ साल पीछे ले जाता हूँ। तो हाँ, हम बात करेंगे पहले कोई सामान खरीदने के लिए या रेस्टोरेंट का पेमेंट करने के लिए या बिल पेमेंट करने के लिए हमें अपने जेब से पर्स से निकालकर पैसे देने होते थे, चाहे वो खुला हो चाहे वो बंधा हो। तो धीरे धीरे ये प्रचलन ख़त्म होने लगा। तो वहाँ से फिर आ गया क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। जब मोटे पेमेंट करने होते थे हमें, तो या तो क्रेडिट कार्ड से या पेमेंट से हम लोग करते थे। बाद में ये धीरे धीरे बदलता चला गया। अब बदलता इस कदर चला गया, पेटीएम पे हम लोग आने लगे, पेटीएम से हम लोग पेमेंट करने लगे। मोबाइल बिल हो, चाहे बिजली बिल हो, चाहे रेस्टोरेंट का बिल हो, बहुत सारे खर्चे या मूवी देखना हो, तो इस तरह के हम लोग पेमेंट जो है पेटीएम से करने लगे। तो आपको बताते चलें कि व्हाट्सएप से क्यों घबरा रहा है पेटीएम, जबकि पेटीएम के पास 30 करोड़ रजिस्टर्ड यूज़र हैं। रजिस्टर्ड यूज़र 30 करोड़ होने के बावजूद भी घबरा रहा है। तो आखिर क्यों घबरा रहा है, क्या वजह है? तो आपको बताते चलें कि फेसबुक का व्हाट्सएप, जबकि फेसबुक का यूज़र 30 करोड़ हैं और फेसबुक एक सरल तरीके से पेमेंट करने का ऑप्शन देने के लिए वो स्टार्ट करने वाला है, और व्हाट्सएप पेटीएम से ज़्यादा व्हाट्सएप पे सक्रिय लोग हैं। आजकल बातचीत का आसान जरिया बन चुका है व्हाट्सएप। मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक पेटीएम के पास करीब 30 करोड़ रजिस्टर यूज़र है, लेकिन अगर फेसबुक का व्हाट्सएप अपने 23 करोड़ यूज़र को पेमेंट करने का आसान जरिया देता है और वो इसे पसंद करते हैं, तो खेल बदल सकता है। वैसे भी पेटीएम की तुलना में व्हाट्सएप के ग्राहक ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। व्हाट्सएप ने हाल में ही यूज़र के लिए यूनी पेमेंट इंटरफेस UPI प्लेटफॉर्म आधारित पेमेंट ऑनलाइन ट्रायल शुरू किया था। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही वो सभी ग्राहकों के लिए इसे शुरू कर सकती है। पेटीएम बनाम व्हाट्सएप, हाल में देश के सबसे बड़े ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म पेटीएम ने व्हाट्सएप पर आरोप लगाया था कि वो अपनी सेवा को अपने 20 करोड़ ग्राहकों तक सीमित कर गलत ढंग से भारत में कैशलेस ट्रांजैक्शन बाजार में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। पेटीएम के फाउंडर विजय शर्मा का कहना है कि व्हाट्सएप ने वर्ल्ड गार्डन सर्विस मुहैया कराते हुए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश का उल्लंघन किया है। फेसबुक के फ्री बेसिक फ्यूचर से इसकी तुलना करते हुए शर्मा ने एक ट्वीट में कहा था कि यह यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के लिए खतरनाक, जो बैंकों के बीच कैश ट्रांजैक्शन का जरिया देता है। व्हाट्सएप से पेटीएम इसलिए भी घबराया हुआ है क्योंकि उसकी पेमेंट सर्विस काफ़ी सरल और साधारण बताई जाती है। पैसा भेजना ज़्यादा आसान है। व्हाट्सएप का एक यूज़र उसी प्लेटफॉर्म पर मौजूद दूसरे यूज़र को आसानी से पैसे भेज सकता है। वो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस के रूप में फ़ोन नंबर का इस्तेमाल कर रहा है। व्हाट्सएप यूज़र को ओला या उबेर यूज़र की तरह लेन देन करते वक्त अलग से लॉगिन की ज़रूरत नहीं होगी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दे इजाज़त। इसी तरह की वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे।